हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लेजी टेक्नोट्रिक्स। मेरा नाम है अक्षम और आज मैं बताने जा रहा हूँ कैसे आप अपने यूरेका प्लस में TWRP रिकवरी इंस्टॉल कर सकते हो। तो बहुत लोग आप में से मुझसे पूछ रहे हो कि भाई TWRP रिकवरी कैसे इंस्टॉल करें, नहीं हो पा रहा है। मैंने वैसे साइनोजेन ओएस 12.1 के साथ इंक्लूड कर दिया था उसे, बट वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। तो अभी क्या करना है, आप लोग बार बार मुझसे पूछ रहे हो ADB ड्राइवर्स इंस्टॉल नहीं हो रही PC पे। तो इन सारा का आज मैं आपको सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी जैसा कि आप देख सकते हो, मैं अपने यूरिका प्लस में दिखाता हूँ। मैंने भी इसमें डिफॉल्ट रिकवरी इंस्टॉल कर ली है ताकि आप लोगों को विश्वास हो जाए। तो अभी मैं खोल लेता हूँ इसे। तो अभी आप देखोगे इसमें भी डिफॉल्ट रिकवरी इंस्टॉल्ड है, साइनोजेन OS वाली सी दिस। तो अभी मैं बताऊंगा PC पे कैसे आपको ड्राइवर्स इंस्टॉल करनी है और TWRP रिकवरी अपने यूरेका प्लस में इंस्टॉल करना है। तो बस इतना ही, चलते हैं अब PC पे। हे फ्रेंड्स, तो अब हम आ चुके हैं PC पर। तो ये देख लीजिए, ये तीन फाइल्स हैं ये आपको चाहिए होगी रिकवरी इंस्टॉल करने के लिए। पहला तो TWRP रिकवरी, सेकेंड फैक्ट्री इमेज फ्लैश टूल, थर्ड है ADB ड्राइवर। ADB ड्राइवर इसलिए था अगर आपके PC पे एंड्रॉयड डिबगिंग ड्राइवर्स पहले से नहीं है तो, ठीक है। तो मैं स्क्रैच से बताने वाला हूँ कैसे ड्राइवर वाइवर सारा कुछ आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो पहले तो ADB ड्राइवर को राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट फाइल्स कर लेंगे, और ये जैसे ही एक्सट्रैक्ट हो जाएगा डबल क्लिक कीजिए, ADB ड्राइवर इंस्टॉलर खोल लीजिए, यस कर दीजिए। देखिए यहाँ पे भी डिवाइस कनेक्टेड नहीं दिखा रहा। अभी आपको क्या करना, आपके यूरेका प्लस में या फिर जिस भी फ़ोन का आपको ADB ड्राइवर चाहिए, ठीक है, पहले तो उसकी सेटिंग में जाइएगा, ठीक है। फिर बिल्कुल नीचे अबाउट फोन का आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा। अबाउट फोन में जाने के बाद आपको यहाँ पे बिल्ड नंबर दिखेगा, इससे आपको 3, 4, 5, 6, 7 बार जितनी भी बार टैप कीजिए, जैसे ही दिखाएगा यू हैव इनेबल्ड डेवलपमेंट सेटिंग तो आप बैक कर दीजिए। अब आपको यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन मिल रहे होंगे, इस पर जाइए, ठीक है। अब यहाँ पे एंड्रॉयड डिबगिंग इसे ऑन कर दीजिए, ठीक है, ये ऑन कर दिया। अब सिंपली जैसे नॉर्मल फ़ोन को कनेक्ट करते हो PC से डेटा केबल के थ्रू, वो कर दीजिए बस नॉर्मली, ठीक है। ये देखिए मैंने फ़ोन कनेक्ट कर दिया नॉर्मली जैसे मैं करता हूँ। अभी मैं यहाँ रिफ़्रेश किया, देखिए आ गया, यहाँ पे आ रहा है टिक मार्क, क्वालकॉम एंड्रॉयड कंपोजिट ADB इंटरफेस डिवाइस स्टेटस ओके। डैट मीन्स क्योंकि मेरे PC पे पहले से ड्राइवर इंस्टॉल्ड है इसीलिए ऐसा आ रहा है। अगर ड्राइवर्स नहीं है तो यहाँ आप इंस्टॉल पे क्लिक कीजिएगा और ड्राइवर्स इंस्टॉल हो जाएंगे। तो बस इस तरह से आपने अपने फ़ोन पे ADB ड्राइवर्स डाल लिए। अब क्या कीजिए, इस विंडो को बंद कीजिए, बैक जाइए। अब फैक्ट्री इमेज फ्लैश टूल को इस तरह से एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, ये देखिए ये एक्सट्रैक्ट हो गया। अब ये TWRP रिकवरी को यहाँ से कॉपी कर लीजिए, फैक्ट्री इमेज खोलिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है, पेस्ट हो गया। अब ये क्या नाम दिखा रहा है, TWRP 3.0.20 टोमेटो, इसे राइट क्लिक कीजिए, रीनेम पे जाइए और नाम लिख दीजिए रिकवरी, RECOVERY रिकवरी, दैट इज इट, ठीक है। एक्सटेंशन इसका होगा .img जो बाय डिफॉल्ट रहता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अपने PC पे शिफ्ट प्रेस करके रखिएगा, ठीक है, होल्ड एंड प्रेस, ओके, सॉरी गलती बोल गया एक्चुअली, तो मतलब प्रेस एंड होल्ड, तो शिफ्ट प्रेस करके रखा और राइट क्लिक किया, यहाँ पे आपको ओपन कमांड विंडो हेयर का ऑप्शन मिल गया, इस पर क्लिक किया, देखिए ये कमांड विंडो हमारी खुल गई यहाँ पर, ठीक है। अब सेकंड आपको क्या करना है, जो आपने अपना फ़ोन इस तरह से नॉर्मली कनेक्ट करके रखा हुआ है, इसे पहले तो वायर खोलिए और स्विच ऑफ कर दीजिए फ़ोन को, ठीक है। ADB ड्राइवर इंस्टॉल करने के बाद स्विच ऑफ कर लीजिए, और इस तरह कमांड विंडो आपने खोल लिया, अब फ़ोन स्विच ऑफ हो जाएगा आपका। फिर क्या कीजिएगा, USB केबल का एक एंड पहले PC पे कनेक्ट कर दीजिए। मैं रेकमेंड करूँगा मदरबोर्ड के, मदरबोर्ड मीन्स क्या, जो CPU के पीछे वाले जैक होते हैं उसका यूज़ कीजिए, आगे वाले जैक्स पे अक्सर प्रॉब्लम होती है। तो एक साइड PC पे आपने लगा दिया, फ़ोन को भी स्विच ऑफ कर दिया। अब क्या कीजिए, वॉल्यूम अप बटन प्रेस करके रखिए, ठीक है,
प्रेस एंड होल्ड वॉल्यूम अप। एक साइड पीसी पे आपने केबल लगा दिया, दूसरा साइड वॉल्यूम अप को प्रेस करते हुए फोन पे कनेक्ट कीजिए। ठीक है, तो अब आपका फोन आ गया फास्ट बूट मोड में। ये देखिए देखिए दिखा रहा है फास्ट बूट मोड। अब इसे हम रख देते हैं साइड। कमांड विंडो हमारा खुला हुआ है। अब देखिए क्या कमांड्स यहाँ पे टाइप करनी है। ठीक है, थोड़ा सा मैं सेट कर लेता हूँ। एक्चुअली मेरा फोन पुराना वाला है नहीं, तो इसी पे रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगा। तो अभी क्या कमांड्स आपको लिखनी है, पहले तो फास्ट बूट i0x1ebf devices। ठीक है, एक बार मैं दिखा देता हूँ। ये कमांड मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिख दूंगा। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, फास्ट बूट स्पेस आई इस तरह से 0x1ebf devices, ये, और एंटर प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पे आपके डिवाइस का कोड और फास्ट बूट आ रहा है, डैट मीन्स आपका फोन परफेक्टली कनेक्टेड है। अब आप फ्लैश कर सकते हो रिकवरी। कमांड मैं नीचे लिख दूंगा। तो अभी फ्लैश रिकवरी कैसे फ्लैश करेंगे, तो टाइप करेंगे वो फ्लैश रिकवरी, फ्लैश रिकवरी स्पेस रिकवरी .img। ठीक है, ये हो गया रिकवरी फ्लैश करने का कमांड। जो रिकवरी डॉट इमेज मीन्स जो आपने फाइल कॉपी की थी रिकवरी डॉट इमेज से, जिसे रीनेम किया था वो वाला। अब बस सिंपली एंटर प्रेस कर देंगे। देखिए ओके फिनिश्ड। अब आप, मैंने आपको दिखाया था पहले मेरे फ़ोन पे था साइनोजेन का रिकवरी, अभी मैं दिखाता हूँ TWRP रिकवरी इंस्टॉल हुई या नहीं। तो इतना करने के बाद पहले तो आप फ़ोन से इसको सीधा डिस्कनेक्ट कर दो, मतलब कुछ करना नहीं है, सीधा वायर निकाल दो, आपका फ़ोन हो जाएगा बंद। अब सीधा वॉल्यूम अप डाउन और पावर की साथ में प्रेस करो और रिकवरी खोलो पहले, फ़ोन ऑन करने से पहले इस तरह से वॉल्यूम अप डाउन और पावर साथ में, और चेक करो कि TWRP आई या नहीं। तो ये खुल रही है, लेट्स सी। ओके वी आर डन, टीम विन रिकवरी प्रोजेक्ट ये सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गया। तो मैंने आपको बता दिया रिकवरी कैसे इंस्टॉल करनी है, पीसी पर ड्राइवर्स कैसे डालनी है, मतलब यूरेका प्लस की जो आपकी इश्यूज थी सारी की सारी मैंने बता दी। तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नीचे सब्सक्राइब बटन होगा रेड कलर का वो प्रेस कीजिए। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। दिस इज उत्तम फ्रॉम लेजी टेक्नो ट्रिक साइनिंग ऑफ। बाय बाय।